विवाद चल रहे थे पाकिस्तान में संजीव चोपड़ा से जो तस्वीरें हैं जो प्राइवेट तस्वीरें जो प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अब पुलिस प्रशासन में से मौजूद है वाहिद खान जो कि आदिल खान के रिश्तेदार हैं, वो इस समय मौजूद है। आदिल खान भी इस समय मौजूद नहीं। नमस्कार, आज हम अम्बोली पुलिस चौकी पर हैं। यहाँ पर एक विशेष घटना हुई है और वो घटना ये है कि आज अम्बोली पुलिस ने राखी सावंत को गिरफ्तार किया। कुछ देर में मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। मैंने 8 नवंबर 2022 के दिन राखी सावंत के ख़िलाफ़ यहाँ इस पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसी दिन। मैं आज धन्यवाद देती हूँ अम्बोली पुलिस को, जो उन्होंने राखी सावंत की गिरफ्तारी करके ये सिद्ध किया है कि कोई भी कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता, चाहे वो कॉमन मैन हो या सेलिब्रिटी क्यों ना हो। आपको बता दूं कि राखी सावंत ने मीडिया को बुला बुला कर मेरे कथित वस्त्रहीन दृश्य, फोटोज़, वीडियोज़ दिखाए और बेबुनियाद बातें कही, जैसे कि ये कहा कि मैं अलीबाग के किसी रिसॉर्ट में रंगे हाथ पकड़ी गई थी वैश्या व्यवसाय में। अम्बोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस से संपर्क बनाकर ये पता लगाया कि अलीबाग पुलिस ने आज तक शेरलिन चोपड़ा के खिलाफ इस तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। बात ये है कि क्यों राखी सावंत जैसी लड़कियां दूसरी महिलाओं पर कीचड़ उछालती हैं? क्या हमारे देश का संविधान हमें यह हक देता है कि हम दूसरी महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ा दें? IT 67 Act ये कहता है कि कोई भी किसी भी महिला के ऑब्जेक्शनेबल वस्त्रहीन फोटोज, वीडियोस किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा सकता है। राखी सावंत ने क्या किया? मीडिया को बुला बुला कर, आओ आओ
आप आओ, आप आओ, आप भी आओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, शर्लिन चोपड़ा का न्यूड फोटो, शर्लिन चोपड़ा का वस्त्रहीन वीडियो, आप भी आओ, ये क्या है? कुछ फोटोज वीडियोज पर्सनल होते हैं, उन्हें आपने तमाम मीडिया वालों को दिखाया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाया, आपने मीडिया को गलत जानकारी दी। अरे आपके साथ मेरी लड़ाई कभी नहीं थी, मेरी लड़ाई यौन शोषण के खिलाफ है, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ है। जब जब मैं साजिद खान के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, जब जब मैं राज कुंद्रा के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, वो उनकी डॉमी बनकर आ जाती है बीच में, कहती है नहीं मेरे भाइयों के खिलाफ कुछ अपशब्द मत कहना। अरे आपको इतनी ही दिक्कत होती है तो आप जाओ ना, आप पुलिस स्टेशन में जाओ, आप पता लगाओ कि उन लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं। साजिद खान के खिलाफ कितनी महिलाओं ने शिकायत की क्या आपको नहीं पता? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने शिकायत की है, मेरे अलावा कई महिलाओं ने शिकायत की साजिद खान के खिलाफ। और एक पीड़ित महिला की, एक पीड़ित महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये पुलिस तय करेगी, पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस तहकीकात करेगी, ना कि आरोपी के भाई बहन। ये बात हमें समझना चाहिए जी। अभी आज राखी को पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर, उसके बाद में हमारी जो लीगल टीम है वो पूरी तरह से इस पे वॉच रख रही है। अगर वो हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे, क्योंकि कल सेशन कोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है ये वर्ग, तो जब अभी क्या है आगे का प्रोसीजर, अगर वो हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे तो हमारी लीगल टीम उसको अपोज करेगी। अरेस्ट होने के बाद सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जी। आज क्या अरेस्ट हो रही है? राखी सावंत कुछ देर पहले अरेस्ट हुई, उसे बहुत जल्द मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पर वो रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर कर सकती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि राखी सावंत को जुडिशियल कस्टडी हो, उसे कम से कम 14 दिनों के लिए उसे जुडिशियल कोर्ट में रखा जाए, जेल के सलाखों के पीछे बंद रखा जाए, ताकि उसके समर्थकों को अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाए कि भारत देश के संविधान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। सलमान खान अच्छी तरह सुन लें, इनको भाई, इनको बहन मानते हैं, ये उनको भाई मानती है, हाँ आप सुन लीजिए सलमान खान जी, कोई भी इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। मिनिमम होता है ना 14 डेज, मैं तो चाहती हूँ कि कई महीने वो रहे, लेकिन मिनिमम 14 डेज रखा जाता है जुडिशियल कस्टडी में जी।